एनटीआर का पूरा नाम क्या है? तो नेट टैरिफ रेट होता है, नेट टैरिफ रेट होता है एनटीआर का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष गाड़ी की बुकिंग के मामले में न्यूनतम कितनी दूरी का खाली कर्षण प्रभार लिया जाता है? तो 200 किलोमीटर का लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष गाड़ी की बुकिंग के मामले में IRTCT को कितने महीने पहले आवेदन करना होगा? तो 1 महीना पहले आवेदन करना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 BCN वैगनों की रजिस्ट्रेशन फीस कितने रुपए है? 3 BCN वैगनों की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? तो 4500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉड गेज में मानक रैक का वैगन रजिस्ट्रेशन फीस कितना है? तो 50,000 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलंब शुल्क प्रति वैगन किस आधार पर लिया जाता है? तो आवर के हिसाब से, घंटे के हिसाब से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारित फीस फ्री समय से अधिक समय वैगन रोकने पर कौन सा शुल्क लिया जाएगा? तो डेमुरेज लिया जाएगा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगन आवंटन के बाद मांग पत्र रद्द करने पर क्या जब्त किया जाता है? WRF रद्द किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ प्रमाण पत्र की कितनी प्रतियां होती है? 3 प्रतियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट लगेज लगेज टिकट कितनी प्रतियां होती हैं? तो 3 प्रतियां होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। विशेष कोच या ट्रेन की बुकिंग हेतु कितने प्रतिशत प्रभार लिया जाता है? 30% लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष कोच ट्रेन का किराया यात्रा आरंभ करने के कितने घंटे पहले जमा करना चाहिए? 48 घंटा पहले। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय रेल अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत टिकट का हस्तांतरण निषिद्ध है? तो अधिनियम 142। ऑप्शन नंबर बी सही है। कंफर्म टिकट का रद्दीकरण का समय सीमा कितना होता है? तो 4 घंटा पहले होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिंग गुड्स रिपोर्ट क्लोम कार्यालय को कौन सा स्टेशन भेजता है? डेस्टिनेशन स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी सही है। 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर सेशनल RR जारी की जाती है? तो डाइवर्जन में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिकता सूची में बदलाव का अधिकार किसे है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय स्तर पर सतर्कता विभाग के मुखिया कौन होते हैं? तो SDGM होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशनों पर काम करने वाले वाणिज्य कर्मचारी अधिकतम कितने रुपए निजी रोकड़ में रख सकते हैं? तो 750 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरनाक माल कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिना बुक सामान उत्पाद छूट के अंदर है तो किस दर से प्रहार लिया जाएगा? तो यदि बिना बुक सामान उत्पाद छूट के अंदर है तो किस दर से प्रहार लिया जाएगा? तो 1 घंटा 50, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिना बुक सामान उत्पाद शुल्क यदि बिना शुल्क सामान उत्पाद के छूट से अधिक है तो किस दर से प्रहार लिया जाएगा? तो 6 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंजरों में छोटे जानवर या पक्षी बिना बुक पाए जाने पर न्यूनतम प्रभारी वजन कितने किलोग्राम पर प्रभारित किया जाएगा? तो 20 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा के दौरान मासिक सीजन टिकट के साथ क्या होना चाहिए? तो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बुक बुक बिना बुक साइकिल का न्यूनतम प्रभारी वजन कितना किलोग्राम होता है? 40 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पैकेज का वास्तविक वजन यदि कितने किलोग्राम से अधिक है तो उसे स्थूल पैकेज कहते हैं? तो 100 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शयनयान मेल एक्सप्रेस की किराए का मूल्यांकन किसमें किया जाता है? तो रुपये में, 5 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक इवान में यात्रा करते पाए जाने पर यात्री को किस श्रेणी का यात्री मानक दंडनीय किया जाएगा? फर्स्ट क्लास का, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विधायक बिना टिकट के पाए जाते हैं तो कितना शुल्क लिया जाएगा? ट्रेडेड एज विदाउट टिकट, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियायत गाड़ी के किस किराए में दी जाती है? मेल एक्सप्रेस ट्रेन में, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल भाड़े का किराया किस दर से लिया जाता है? तो टनेज के हिसाब से लिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल यातायात में वर्गीकरण की पुस्तक में वस्तुओं को कितने समूह में बांटा गया है? तो 25, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मृतक शरीर का प्रभारी वजन कितने किलोग्राम है? तो 200 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान शुल्क की गणना के लिए कौन छुट्टियों के लिए दिन माने जाते हैं? तो ऑल ऑफ लगभग कोई भी हो सकता, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित आरक्षण टिकट यदि गाड़ी के निर्धारित अप्रस्थान समय से 24 घंटे या अधिक पहले रद्द किया जाता है तो रद्दीकरण का प्रहार कितने प्रतिशत के अनुसार लिया जाएगा? 25%, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणी के अनारक्षित टिकट रद्दीकरण हेतु लेखन शुल्क कितने रुपये प्रति यात्री लिया जाता है? इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक्षा सूची RAC टिकट रद्द करने पर कितने रुपये लेखन शुल्क लिया जाएगा? 60 रुपये लिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी छूटने के निर्धारित समय से 4 घंटे के भीतर आंशिक रूप से कंफर्म टिकट रद्द करने पर कितने रुपये यात्रा प्राधिकरण शुल्क लिया जाएगा? क्लियरेंस चार्ज लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्काल सेवा का कंफर्म टिकट गाड़ी छूटने के निर्धारित समय से 24 घंटे से अधिक समय पहले रद्द करने पर कितने प्रतिशत धन वापसी की दी जाएगी? नो कंफर्म, ऑप्शन नंबर बी सही है। नो रिफंड, रिफंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन टिकट जिस पर परिवर्तन करते समय परिवर्तन शुल्क लिया गया हो तो उसे रद्द करने कितनी बार रद्दीकरण शुल्क लिया जाएगा? 2 बार, ऑप्शन नंबर बी सही है। 28 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ट बनने के पहले खोए हुए कंफर्म टिकटों के बदले द्वितीय क्लास में कितनी राशि लेना डुप्लीकेट जारी किया जाएगा? 50 रुपये, ऑप्शन नंबर ए सही है। चार्ट बनने के पहले खोए हुए कंफर्म टिकटों के बदले द्वितीय से एसी किराया लेकर डुप्लीकेट जारी किया जाता है? 100 रुपये, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TDR के आधार पर धन वापसी किस कार्यालय द्वारा ली जाती है? इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष में कम उम्र कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सभी श्रेणियों में मुफ्त ले जाया जाता है? तो 5 वर्ष की, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यात्रा टिकट है? BPT है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए रियायत सीजन टिकट जारी करने के लिए आयु सीमा कितनी है? 27 वर्ष। इस तरह से पार्ट नंबर 7 समाप्त हुआ। अगला वीडियो पार्ट नंबर 8 लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू ऑल।